अस्पतालों की व्यवस्थाओं को लेकर सख्त हुई कलेक्टर। जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल पहुंची नवलगढ़ जिला अस्पताल। कहा चिकित्सक और स्टाफ काम के प्रति बने जवाबदेह। दवा और रजिस्ट्रेशन काउंटर बढ़ाने के दिए निर्देश। बोली जांचों को लेकर समय बढ़ाएं और ऑनलाइन दें रिपोर्ट। चुनू के सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए अब जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल सख्त नजर आ रही है। न केवल ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी लगातार सरकारी अस्पतालों को दौरे कर रहे हैं, बल्कि खुद कलेक्टर चिन्मय गोपाल भी अस्पतालों का दौरा कर जमीनी हकीकत जान रही है। इसी क्रम में आज जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल के नवलगढ़ स्थित जिला अस्पताल पहुंची और वहां पर औचक निरीक्षण कर मरीजों व उनके साथ आए परिजनों से बातचीत की। मरीजों और परिजनों से बातचीत कर अस्पताल की व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया और पीएमओ को निर्देशित किया कि वे जल्द से जल्द डीडीसी यानी फ्री दवा वितरण केंद्र और ओपीडी के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटरों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि मरीजों और उनके परिजनों को लंबा इंतजार न करना पड़े। इसके अलावा जाँचों के लिए समय बढ़ाकर ऑनलाइन रिपोर्ट देने को व्यवहार में लाया जाए, ताकि जाँच के सैंपल देने के बाद परिजनों या फिर मरीजों को घंटों इंतजार नहीं करना पड़े। वे अस्पताल की सफाई व्यवस्था से भी नाराज नजर जिसे सुधारने के निर्देश दिए। सख्त लहजे में जिला कलेक्टर ने कहा कि अगली बार विजिट तक सभी निर्देशों की पालना हो जानी चाहिए, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मरीजों और उनके परिजनों को किसी भी सूरत में परेशान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने चिकित्सकों को ओपीडी में अधिक से अधिक मरीजों को परामर्श देने तथा भर्ती मरीजों को बेड पर ही दवा उपलब्ध करवाने की सुनिश्चितता तय करने की बात भी कही। डीडीसी बढ़ाने के लिए हमने इनको डायरेक्शंस दिए, तो डीडीसी बढ़ाने का एक प्रोसेस होता है। जब तक डीडीसी नहीं बढ़ते तब तक हमने कहा स्टाफ जो एग्जिस्टिंग डीडीसी है उसको बढ़ा दें, महिला पुरुष की लाइन अलग कर दें और जो ओल्ड पेशेंट्स हैं उनके लिए लाइनें अलग कर दें। इसी से रिलेटेड हमने डायरेक्शन ये दिया है कि जो बीमार ज्यादा है पेशेंट या जिनके साथ अटेंडेंट नहीं है उनको बेड साइड पे ही ड्रग्स लाकर दे दिए जाए। फिर ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर बढ़ाने के लिए हमने डायरेक्शन दिया है, जो लैब की जहां पर जांच हो रही है जहां पर उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है वहां ज्यादा भीड़ लगी हुई है उसके भी काउंटर को हमने बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। एक्सरे मशीन का देखा गया है कि टेक्नीशियन ज्यादा है और मशीन सिर्फ दो लगी हुई है, तो डायरेक्शन दिए पीएमओ साहब को कि दो मशीन और लगवाएं, तो इसको आरएमआरएस या किसी और फंड से मशीन को लगवाएंगे। अभी हॉस्पिटल में सीटी स्कैन और एमआरआई के लिए की पीपीपी मोड पर चल पाए इसके लिए हम स्टेट गवर्नमेंट को प्रस्ताव भेजेंगे, ये प्रस्ताव हमें अभी भेजने हैं, हम भिजवा देंगे। उसके अलावा कुछ और हमने डायरेक्शन दिए हैं कि ओपीडी टाइम में सारे डॉक्टर्स कम से कम 30 ओपीडी तो हर डॉक्टर को देखना ही देखना है। ऐसे ही हम लोग लैब टेक्नीशियंस का भी एनालिसिस करवा रहे हैं कि कितने टेक्नीशियंस हैं और हर टेक्नीशियन कितनी जांचें कर रहा है, तो अभी डायरेक्शन हमने इनको दे दी कि अभी तक सैंपल 12 बजे तक लिए जाते थे, तो अब हमने डायरेक्शन दी कि सैंपल अब 2 बजे तक लिए जाएंगे। और ये भी डायरेक्शन दिया है, एसडीएम साहब ने इसको इम्प्लीमेंट भी पहले करवाया था तो इसका काफी अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, लेकिन हम इसको और बेटर करवा रहे हैं कि पेशेंट से रजिस्ट्रेशन के समय व्हाट्सएप नंबर ले लें, तो साथ ही साथ विदिन 15-20 मिनट जैसे ही जांच रिपोर्ट आती है पेशेंट को व्हाट्सएप हो जाए, और इसके लिए आप लोग थोड़ा इसका प्रचार प्रसार भी करवा दीजिए। तो मेन ये डायरेक्शन रहे, बाकी छोटी छोटी जो चीजें हैं वो और बताई हैं कि सीसीटीवी को फंक्शनिंग करवाने के लिए और कुछ और चीजें नहीं, लेकिन मेन डायरेक्शन